मेरा नाम डॉक्टर मनीष चौधरी, मैं फर्स्ट ईयर डर्मेटोलॉजी रेजिडेंट हूँ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर में। आई हैव एट लास्ट अचीव्ड इट आफ्टर अ स्ट्रगल ऑफ 8 ईयर्स। ये हमारी जर्नी चालू हुई 2003 के अंदर। मैं और मेरी मदर चले गए बीकानेर और फॉर 2 ईयर्स मैं कंटिन्यूस एक अपनी डॉक्टर बनने के लिए MBBS एंट्रेंस क्लियर करने के लिए मेहनत करता रहा। By hope and by God's grace and my hard work, I secured 748 rank in my pre-entrance exam for Kasturba Medical College, Manipal. Then I joined my MBBS course in 2006. Then I came back to Jaipur. मैंने internship करी SMS Medical College जयपुर से, और जब मैंने को ऐसा लगा कि मैंने अच्छी पढ़ाई की है 4 साल, then I will be able to crack the exam. But again, I failed miserably. तो मैंने कभी ये coaching join की, कभी वो coaching join की, और ऐसे करते करते मेरे 2 साल निकल गए। मैंने कभी भी 19 सब्जेक्ट्स को पूरा ही नहीं किया, हमेशा 10 टू 12 सब्जेक्ट्स पूरे करता था और इन्हीं से पेपर देता था। और मेरा ये था कि मुझे वो रैंक सिक्योर करनी है जिस पे मैं आगे खड़ा हूँ, कॉलेज मेरे आगे हो, ब्रांच मेरे आगे हो, और वो भी मेरे को मेरी स्टेट से ही करनी थी। तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता था, मगर फिर भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे मनी वाइज और इमोशनली वाइज हमेशा सपोर्ट किया। जब उसे प्री पीजी देनी थी तो वो ये बोलता था, मम्मा मैं इस तरह नहीं पढ़ पाऊँगा और मुझे वीडियो टाइप कुछ चाहिए जो बोले और मैं सुनूं। पर उस टाइम ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो वो धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई शुरू करी और फिर उसको 10,000 रैंक मिली। और उस टाइम क्या था, 10,000 रैंक पे सीट्स इतनी कम थी कि उसे कुछ भी नहीं मिला जो वो चाहता था। हम लोग उसे कहते थे बहुत बार कि नहीं ठीक है, तुझे जो मिल रहा है उसमें तुझे सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। पर उसका ये था कि नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हो सकता क्योंकि मुझे बहुत आगे जाना है। सो 2015 के अंदर जब मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं होता था और मैं घर पे बैठ रहता था, तो मुझे लगा कि चलो भाई अपन गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। मैं गवर्नमेंट जॉब भी मैंने 6 महीने ज्वाइन की, मगर वहाँ जो मतलब डिफ़िकल्टीज आती है, फेस करनी पड़ती है गवर्नमेंट के अंदर, वो मैं हैंडल नहीं कर पाया एंड आई हैव टू लीव दैट जॉब आफ्टर 6 मंथ्स। बट अगेन माई पेरेंट्स वर देयर एवरी टाइम, वेन एवर आई टोल्ड देम दैट आई विल टेक अ सीट ओनली इफ आई गेट द रिक्वायर्ड रैंक, और जो मेरे साथ ब्रांच होगी और कॉलेज होगा मेरी मर्जी का, तभी मैं अपनी ब्रांच परस्यू करूंगा। जो मैं ये कहना चाहूंगी कि एक तो कंसिस्टेंसी जो है कि अपने ड्रीम को नहीं छोड़ना, ये उसने साबित करके दिखाया। वो मुझे हमेशा कहता था कि नहीं मम्मी, एक दिन मुझे मिलेगी जरूर ये सीट। मैंने वहां रहते रहते दोबारा एग्जाम दिया तो मेरी रैंक आई 4183, बट वहां कॉलेज छोड़ने के लिए आई हैव टू पे 25 लाख। उसके अंदर भी मेरे फादर मदर रेडी थे कि नहीं, आप अपनी ड्रीम पूरी करना चाहते हो, पैसे तो आप ज़िंदगी में कभी भी कमा लोगे, मगर जो आपकी ड्रीम है वो हमेशा आपके साथ मरते दम तक रहेगी। तो मैंने साइकेट्रिक ले ली। नॉट ए सिंगल डे ब्रेक, अपनी ड्यूटीज करता था और शाम को आने के बाद में फिर वो अपनी रात को वो पढ़ाई करता था। और मैं मुझे इवनिंग में आता था, 9 o'clock हो जाता था, फिर भी मैं जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता था रात के अंदर, उसके अंदर जो मेरे 10-12 सब्जेक्ट्स पढ़े हुए होते थे उसी के साथ प्रिपरेशन देता था। मुझे अपनी साइकेट्री की ब्रांच भी कंटिन्यू करनी थी और आके पढ़ना भी था। तब अगस्त के अंदर बाई गॉड ग्रेस प्रेप लेटर का रैपिड रिवीजन कोर्स आ गया, और जो 19 सब्जेक्ट मैं कभी नहीं फुलफिल कर पाता था और ना रिवाइज कर पाता था, वो मुझे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मिल गया। और हमेशा मैं नाइट को सिर्फ 3 आवर्स होता था, 3 to 4 आवर्स, एंड आफ्टरनून 1 आवर्स होता था। मैंने ये अपना कंप्लीट शेड्यूल अगस्त से लेकर दिसंबर तक बना के रखा। मैं इस बार जब मैंने फॉर्म भरा तो मैंने अपनी मम्मी के अलावा ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि सब लोग हंसते थे कि ये तो बार बार एग्जाम देता है फिर फेल हो जाता है, और अब तो इसकी रैंक अभी आनी नहीं है, इसकी एज भी हो गई है। मगर जिस दिन मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया प्रेप लेटर के थ्रू और मैंने उस रैपिड रिवीजन के थ्रू उसको 4 से 5 बार रिवाइज कर लिया था, क्योंकि मैं सिर्फ 5 घंटे, मुझे ये था कि बस दिन रात एक कर देना है। मेरी थीसिस भी चल रही थी साइकेट्री में, मेरे केस प्रेजेंटेशंस भी होते थे, मेरे सेमिनार्स भी होते थे, मगर मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। 4 to 5 आवर्स होता था और बस रैपिड रिवीजन को मगअप करता रहता था और पढ़ता रहता था। जब और एग्ज़ाम डेट आई 8 जनवरी को, तो पहली बार 8 साल के अंदर मुझे ऐसा लगा पेपर देने के बाद, हाँ मेरी रैंक आ सकती है, और दिस टाइम आई हैव क्रैक्ड इट। जब इस बार उसने दिया तो सो हैप्पी, एग्जामिनेशन सेंटर से निकलते उसने मुझे फोन किया कि मम्मा इस बार मेरी वो रैंक आएगी 100%, और उसे वही रैंक मिली जो कि वो चाहता था। मेरे क्वेश्चन करेक्ट हुए 228 300 में से, एंड माय रैंक वाज 1096। एंड जब वो रिजल्ट आया उस दिन,
शाम को 7 बजे के बाद देन माई होल फैमिली एंड मी क्राइड फॉर 2 to 3 hours बाई थिंकिंग दैट वी हैव एट लास्ट अचीव्ड इट आफ्टर अ स्ट्रगल ऑफ 8 years. एंड मुझे ऐसा उस दिन ऐसा लगा कि अगर मेरे पेरेंट्स और मेरे सिस्टर्स का सपोर्ट नहीं होता जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं तो मैं कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता. और उसके बाद प्रेप लेटर ने भी जो अगर रैपिड रिविजन नहीं होता तो आई वुड हैव बीन नेवर दिस इज़ द ट्रूथ दैट आई मैं कभी भी ज़िंदगी में ना डर्मेटोलॉजिस्ट बनने की सोच पाता और मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी लाइफ आगे बढ़ता रहता. तो इसलिए बच्चों से ही कहना है कि आप अपने नंबरों पे नहीं जाएं और कहीं ना कहीं अपने ड्रीम को बना के रखें और उस ड्रीम के लिए जो भी आपके एफर्ट्स हैं वो आप करते जाएं और जैसे मनीष को मुकाम मिला है वैसे एक दिन आप लोगों को जरूर मिलेगा. अपन को जिंदगी में आगे चलना चाहिए क्योंकि ये जो लाइफ है ये एक ही है, ये ड्रीम है ये भी एक ही है, ये कभी वापस नहीं आएगी चाहे कोई भी फील्ड हो लाइफ में. आप अगर करोगे तो ये गारंटी है कि आपके साथ जो भगवान है, आपके जो चाहने वाले हैं, वो आपके बारे में जो पॉजिटिव सोचते हैं, वो एक ना एक दिन आप जरूर उसको अचीव कर पाएंगे. आप अपने उसके लिए सच्ची तरह से मन से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई को एक पूजा मान के कर रहे हैं, तो पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी आपको धोखा नहीं देगी. और एक दिन आपने अगर अपनी मनपसंद ब्रांच में जब जैसे मैं आया हूँ तो आपको ये सब साल जो आपके छूटे हैं और ये कभी भी आपको वो खलेंगे नहीं कि मेरे क्यों सेटबैक हो गए हैं. और अब जो मुझे सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मेरे पेरेंट्स, मेरे क्लोज फ्रेंड्स, गॉड ने मुझे यहाँ पहुँचाया है तो मुझे आगे भी फ्यूचर लाइफ में एक बहुत अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट बन के दिखाना है. और अब आई थैंक एवरीवन इन माय फैमिली मेम्बर्स, माय फ्रेंड्स एंड प्रेप लेटर फॉर हेल्प मी अचीविंग इन दिस ड्रीम. अब मैं वो लाइफ जीऊँगा जो मैं हमेशा से जीना चाहता था. मेरे आंसू जो है वो खुशी के हैं कि एट लास्ट उसको वो मिला जो कि वो चाहता था और वो ड्यू टू प्रेप लैडर ही मिला.